हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गूगल स्टडी। तो आज हम मानव रोगों तथा उनसे प्रभावित अंगों के बारे में जानेंगे। इनसे रिलेटेड इंडियन एयरफोर्स और नेवी में एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो हमारा पहला रोग है कोलाइटिस, जो हमारी छोटी व बड़ी आंत को प्रभावित करता है। और अगला हमारे पास रोग है डिप्लोपिया, जो हमारी आँखों के ऊपर इफेक्ट डालता है। और अगला हमारे पास है मधुमेह, जो हमारे अग्नाशय पर प्रभाव डालता है। और जो हमारा अगला रोग है पेचिस, जो बड़ी आंत पर प्रभाव डालता है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और अगला हमारे पास है इंसेफेलाइटिस, जो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और अगला हमारे पास है गोइटर, जो हमारे गला और थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। और अगला हमारे पास है ग्लूकोमा, जो हमारी आँखों के ऊपर परफेक्ट डालता है। और अगला हमारे पास है हाइड्रोफोबिया, ठीक है। हाइड्रोफोबिया तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। और अगला हमारे पास है हाइपरमेट्रोपिया, जो हमारी आँखों के ऊपर प्रभाव डालता है। और अगला हमारे पास है दिल का दौरा, जो हृदय के ऊपर इफेक्ट डालता है। और अगला हमारे पास है रतौंधी, जो हमारी आँखों के ऊपर इफेक्ट डालता है। और हमारे पास अगला है कालाजार, जो प्लीहा और रुधिर के ऊपर अपना इफेक्ट डालता है। और अगला हमारे पास है माइपिया, जो हमारी आँखों के ऊपर इफेक्ट डालता है। और अगला हमारे पास है मेनिनजाइटिस, जो हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। और अगला हमारे पास है गलसुआ, जो पैरोटिड और लार्ज ग्रंथि के ऊपर इफेक्ट डालता है। और अगला हमारे पास है प्लेग, जो हमारे फेफड़ा एवं RBC रेड ब्लड सेल के ऊपर इफेक्ट डालता है। और अगला हमारे पास है पायरिया, जो दांतों की जड़ें एवं मसूड़े उनके ऊपर इफेक्ट डालता है। और अगला हमारे पास है रिकेटस, जो हमारी हड्डियों के ऊपर इफेक्ट डालता है। और अगला हमारे पास है छोटी चेचक, जो हमारी त्वचा के ऊपर प्रभाव डालता है। और अगला हमारे पास है सिफिलिस, जो हमारे जननांग के ऊपर इफेक्ट डालता है। और अगला हमारे पास है स्कर्वी, जो हमारे दांत वो मसूड़ों के ऊपर प्रभाव डालता है। और अगला हमारे पास है तपेदिक, जो हमारे फेफड़ा को प्रभाव डालता है। और अगला हमारे पास है टिटनेस, जो तंत्रिका तंत्र एवं मांसपेशियों के ऊपर इफेक्ट डालता है। और अगला हमारे पास है काली खांसी, काली खांसी रोग हमारे श्वसन तंत्र के ऊपर प्रभाव डालती है। और सोने की बीमारी, जो हमारे मस्तिष्क एवं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालती है। और अगला हमारे पास है डायरिया, जो हमारे आंत पर प्रभाव डालती है। और अगला हमारे पास है डिप्थीरिया, जो हमारी श्वास नली के ऊपर प्रभाव डालती है। और अगला हमारे पास है डेंगू ज्वर, जो हमारी आंखें पेशियां एवं सिर के ऊपर प्रभाव डालती हैं। और अगली हमारी है मिर्गी, जो नाड़ी तंत्र के ऊपर प्रभाव डालती है। और अगला हमारे पास है फाइलेरिया, जो लसिका पर्व के ऊपर प्रभाव डालता है, ठीक है। और अगला हमारे पास है गोनोरिया, जो हमारे जननांग के ऊपर प्रभाव डालता है। और अगला हमारे पास है हेपेटाइटिस, जो यकृत के ऊपर प्रभाव डालता है। और अगला हमारे पास है हर्पिस, जो हमारी त्वचा एवं श्लेष्म कला के ऊपर प्रभाव डालता है। और अगला हमारे पास है पक्षाघात, जो हमारे नाड़ी तंत्र के ऊपर प्रभाव डालता है। और अगला हमारे पास है इन्फ्लुएंजा, जो हमारे श्वसन तंत्र के ऊपर प्रभाव डालता है। और अगला हमारे पास है पीलिया, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पीलिया जो हमारे यकृत के ऊपर प्रभाव डालता है। और अगला हमारे पास है कुष्ठ रोग, ठीक है, कुष्ठ रोग त्वचा एवं तंत्रिका के ऊपर प्रभाव डालता है। और मलेरिया, जो हमारे लाल रक्त कणिका यानी कि RBC उनके ऊपर प्रभाव डालता है। और जो खसरा है वो संपूर्ण शरीर, खसरा ऐसा रोग है जो हमारे संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। और पोलियो, जो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और निमोनिया करता है फेफड़ा तंत्र को, ठीक है। और अगला हमारे पास प्रेस वाइपिया, जो हमारी आंखों के ऊपर प्रभाव डालता है। और दाद त्वचा, खाद त्वचा। और साइजोप्लेनिया, हमारे मानसिक अस्वस्थता को प्रभाव डालता है। और अगला है चेचक, वो संपूर्ण शरीर, ठीक है। एक हो गया हमारे पास खसरा और एक हो गया चेचक, हमारे पूर्ण शरीर को प्रभावित करती है। और टाइफाइड वो आँख आँख, और ट्रेकोमा वो आँख, ठीक है। और पेटिक अल्सर, जो हमारी ग्रास नली एवं छोटी आंत के ऊपर प्रभाव डालता है।